गौ रक्षकों द्वारा गनों से लेकर फतेहपुर तक सड़कों पर घूम रही गौ माताओं को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए रेडियम कॉलर लगाए गए। लगभग 70 गौ माताओं को रेडियम कॉलर लगाए गए। गौ रक्षा जिला प्रमुख अर्पण चावला ने बताया कि निस्वार्थ गौ रक्षकों की टीम द्वारा गौ माताओं को रेडियम कॉलर लगाए गए। स्थानीय लोगों का भी काफी सहयोग मिल रहा है। गौ रक्षकों द्वारा गनों से लेकर फतेहपुर तक सड़कों पर घूम रही गौ माताओं को दुर्घटना से बचाने के लिए रेडियम कॉलर लगाए गए। लगभग 70 गौ माताओं को रेडियम कॉलर लगाए गए। गौ रक्षा जिला प्रमुख अर्पण चावला ने बताया कि निस्वार्थ गौ रक्षकों की टीम द्वारा गौ माताओं को रेडियम कॉलर लगाए गए। स्थानीय लोगों का भी काफी सहयोग मिल रहा है। रेडियम कॉलर की बात की जाए तो ये एक चमकता हुआ कपड़ा है, जो कपड़ा अभी तक कंडवाल से लेकर जोंटा तक लगाया गया है। इसके जो परिणाम निकले हैं वो काबिले तारीफ हैं। अधिकतर केस जो एक्सीडेंट के आते थे, जिन्हें अलग अलग गौशालाओं में पहुंचाया जाता था, लेकिन जब से नूरपुर से कंडवाल तक गौ माताओं को रेडियम कॉलर लगाए गए हैं, इनका परिणाम जो सामने आया है वे बड़ा ही चकित करने वाला है। इसी को देखते हुए गनों से लेकर फतेहपुर तक रेडियम कॉलर लगाए गए। स्थानीय लोगों ने भी इस सामाजिक कार्य में हिस्सा लिया और गौ माताओं को रेडियम कॉलर लगाए। अगर ऐसे ही लोगों का सहयोग मिलता रहा तो जल्द ही बेसहारा गौ माताओं की संख्या कम हो जाएगी। अर्पण चावला ने कहा कि जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो लोगों द्वारा छोड़ी जा रही गौ माता है। जितनी मर्जी गौ माताओं को गौशाला में पहुंचा दें, जब तक लोगों द्वारा गौ माताएं छोड़ी जाती रहेंगी, आए दिन इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और दुर्घटना होती रहेगी। रेडियम कॉलर एक ऐसा वरदान सिद्ध हो रहा है गौ माताओं के लिए कि इससे 200 मीटर की दूरी से ही वाहन चालक सचेत हो जाते हैं। इसकी रोशनी से वाहन चालकों को पता लग जाता है। उन्होंने कहा कि सभी से अपील की जाती है कि अगर रास्ते में कोई गौ माताएं मिलती हैं या जख्मी मिलती हैं तो ये गौ माताओं की मलहम पट्टी कीजिए। आज हमारे निस्वार्थ गौ रक्षकों की टीम ने गनों से लेकर फतेहपुर तक रेडियम कॉलर लगाने का कार्य जो कि अभी कर रहे हैं और स्थानीय लोगों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। इसमें रेडियम कॉलर की बात की जाए तो ये एक चमकी हुई रेडियम कॉलर की एक कपड़ा है, जो कपड़ा अभी हम लोगों ने अपना कंडवाल से लेके जोंडा तक लगाया है और इसके जो रिजल्ट निकले हैं वो काबिले तारीफ है। 90% केसेस जो हमारे पास रात को एक्सीडेंट के आते थे, अलग अलग गौशालाओं में पहुंचाया जाता था हमारे गौरक्ष द्वारा, लेकिन जब से नूरपुर से लेकर कंडवाल तक और जोंडा तक रेडियम कॉलर लगाए गए हैं, इन रिकॉर्डिंग का जो रिजल्ट सामने आया है वो आश्चर्यचकित करने वाला है। और इसी को देखते हुए आज गनों से लेके फतेहपुर तक ये एक सामाजिक कार्य किया जा रहा है और यहाँ के स्थानीय लोग जैसे कि हमारे राइट फाउंडेशन के रोहित जी, वहाँ हमारे शिवसेना से रोकी शर्मा जी, हमारे संजय भाई जी, कपिल जी और जितने भी गणमान्य व्यक्ति और हमारा राजा तला का युवा मंडल के जो प्रधान जी हैं और स्थानीय लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, अगर इसी तरह से हमें सबका सहयोग मिलता रहा तो बहुत जल्द बेसहारा गौ माताओं की संख्या बहुत जल्दी कम हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों के सामने पेश आ रही है वो है लोगों द्वारा आए दिन छोड़ी जा रही गौ माताएं हैं। जितनी मर्जी गौ माताओं को हम कॉलर लगा लें, गौशाला पहुंचा लें, लेकिन जब तक लोगों द्वारा ये गौ माताएं छोड़ी जाती रहेंगी, आए दिन इनकी संख्या बढ़ती रहेंगी और एक्सीडेंट होते रहेंगे। रेडियम कॉलर एक ऐसा वरदान सिद्ध हो रहा है गौ माताओं के लिए कि जिससे 200 मीटर दूरी से ही वाहन चालक सचेत हो जाता है। इसकी रोशनी से वाहन चालक को आगे पता लग जाता है कि कोई बेसहारा गौ वंशज बैठा हुआ है, खड़ा है। और इसके जो रिजल्ट हैं वो नूरपुर से कंडवाल तक तो और जोंटा तक तो बहुत अच्छे हैं, वही रिजल्ट हम लोगों ने गनों से फतेहपुर तक भी देखने को मिल जाएंगे। स्थानीय लोगों के बार बार मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ और आगे भी मैं ये चाहता हूँ कि जो लोगों को रास्ते में गौ माताएं मिलती हैं, कोई जख्मी हालत में मिल रही हैं, बहुत से लोग उनका वीडियो बनाते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों को वायरल करते हैं, मेरी उनसे भी एक गुजारिश है कि आप उनका वीडियो बनाइए, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाने के बाद शेयर करने के बाद उन गौ माताओं की मलम पट्टी कीजिए और उन्हें गौशाला पहुँचाने का निस्वार्थ सेवा कार्य कीजिए।